सभी किसान मित्रों को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान मित्रों, दिनांक है 9 जुलाई 2022, वार है शनिवार, समय हुआ है अभी हाल फिलहाल 6:30। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चोइथरा मंडी, बाकी महाराष्ट्र नासिक साइट और कर्नाटक बेंगलुरु कर्नाटक साथ ही मद्रास चेन्नई इन सभी जगहों के मेरे पास अभी वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाए आज कुछ कारणवश। अगर अवेलेबल होते हैं तो मैं आपको कल सुबह वो वीडियो दूंगा। कल संडे का दिन रहेगा, छुट्टी का दिन रहेगा, और अगर वो भाव उधर मंडी के जो भाव मेरे पास शाम को 9:30 तक आते हैं, शायद बहुत सारी मंडियों के शाम को 9:05 पे आते हैं, तो अगर भारत दिगोले जी के द्वारा अगर मुझे 9:05 तक वीडियो भेज दिए गए तो मैं कल सुबह आपको 8:30 बजे अवेलेबल करवा दूँगा वीडियो बाकी सभी मंडियों के। शाजापुर मंडी बंद है आज और कल भी बंद रहेगी, शायद मंडे या फिर ट्यूसडे को खुलेगी शाजापुर मंडी, आपको जानकारी दे दूँ मैं। मेरे किसान भाइयों, हम बात करेंगे इंदौर की चोइथरा मंडी में आलू प्याज लहसुन तीनों जिन्सों की कितनी आमदनी है, क्या रेट निकल कर आया है तीनों जिन्सों में, कौन से जिन्स में मंदी है, कौन से जिन्स में तेज़ी है। तो आपको इंदौर की एक एक जानकारी ए टू जेड विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही। किसान भाइयों, सभी अन्नदाताओं से निवेदन है, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवक की। 60,000 के लगभग प्याज कट्टे की आवक देखने को मिली है। बहुत सारे यूट्यूबर 40 बताते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर 20 बताते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर 30 बताते हैं। 60,000 कट्टे की आवक देखने को मिली है, इसमें प्याज आलू और लहसुन तीनों जिन्स आ चुका है 60,000 में, यानी कि मान के चलें कि 42 से 45,000 कट्टे हमारे जो है प्याज की आवक देखने को मिली है, 8 से 9,000 कट्टे आलू, वहीं लहसुन की अगर बात करें तो 10 से 12,000 कट्टे। अब बात करेंगे किसान भाइयों तीनों जिन्सों के सीरियल वाइज भाव की जानकारी। आलू की बात करेंगे हम, आलू में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 50 रुपये की आज हमें तेज़ी देखने को मिली है 2-4 लाट में। किसान भाइयों बात करेंगे हमारा सबसे बेस्ट आलू ज्योति, लोकल मंडी में आ नहीं रहा है, अगर वो आए तो 2,000 तक भी बिक जाए, लेकिन ज्योति आया है मंडी में, थोक से आता है ज्योति तो आपको पता है कम से कम 1,000-2,000 कट्टे ज्योति के ही रहते हैं। बेस्ट क्वालिटी का ज्योति 1,750 रुपये तक बिका है ऊपर में टॉप क्वालिटी, बाकी अगर बल्क की अगर बात करें तो 800 से लगा के 1,500 रुपये तक ज्योति बल्क में बिका, बाकी 2, 4, 5, 10 लाट की अगर बात करें तो 1,500 रुपये से लगा के 1,750 रुपये और 1 लाट पूरी मंडी में 1,800 रुपये का ज्योति का आज बिका है मेरे किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों लोकर की, तो लोकर मंडी में आया नहीं, सोना चिप्स 1,650-1,700 रुपये तक टच हुआ है हमारा, LRB 1,700 टच हुआ है, वहीं अगर देखा जाए ATL हमारा 1,500 टच हुआ है, जो सुपर सिक्स है वो भी 1,500 रुपये तक टच हुआ है, और 3797 खाती वो 800 से 1,200, गुल्ला 200 से लगा के 900-950 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिक रहा है। अब आ जाते हैं लहसुन में। लहसुन में गोपाल सिंह जी जो चौहान हैं इंदौर में बना है और मेरे फ्रेंड भी हैं, उनके द्वारा मुझे व्हाट्सअप के जरिए से एक वीडियो भेजा गया है इंदौर मंडी का लहसुन का, वो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ त्रुटि की है उस वीडियो में कि उन्होंने जो हाईएस्ट रेट में जो लहसुन आज बिकी है इंदौर मंडी में उस लहसुन का वीडियो उन्होंने नहीं बनाया है। ऊपर में लहसुन ऊपर की बात करेंगे, पहले हम सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो लहसुन है 2,000 रुपये से लगा के 2,500 रुपये तक बिक रही है, बल्क की अगर बात करें तो 2,500 रुपये तक बल्क में बिक रही है। फिर चलेंगे हम 2-4 लॉट की बात करेंगे तो 2-4 लॉट 2,500 रुपये से लगा के 3,000 रुपये तक, 2-1 लॉट 3,000 से लगा के 3,500 रुपये तक, और 2 लॉट मेरे किसान भाइयों 3,500 से लगा के 4,000 रुपये तक बिका है इंदौर की चोइथरा मंडी में। अब हम बात करेंगे नीचे में 100 रुपये प्रति कुंटल से लगाकर 500-600 रुपये प्रति कुंटल में हमारी जो बेकार क्वालिटी की जो लहसुन है वो बिक रही है जो दाने वाली, उसके बाद गोल्टी आती है 500-600 से लगा के 1,000 रुपये, गोल्टा आता है 1,000 से लगा के 1,300 रुपये, और फुल बिग साइज़ का जो फुल गोला साइज़ का जो लहसुन होता है 1,800 से लगा के 2,500 रुपये चल रहा है किसान भाइयों। ये है एक्चुअल में जो भाव है वो 2,500 रुपये ही है, 2,500 से ऊपर पूरी मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लॉट बिके हैं लहसुन के, उसमें 4,000 तक भी बिकी है लहसुन, ठीक है। आप अब चलते हैं मेरे किसान भाइयों, वीडियो फिर भी बड़ा हो गया, 4.5 मिनट का हो गया, मैं सोच रहा था आज 2 मिनट का ही वीडियो आपको दूँ, लेकिन फिर भी 5-7 मिनट का हो ही जाएगा। चलते हैं, लहसुन हो गया, आलू हो गया, बात करेंगे किसान भाइयों प्याज की। प्याज में बहुत मंदीवाड़ा देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा दिन की बात नहीं है, सिर्फ 5-4 दिन और रुकी है, 4 से 5 दिन बाद में आपको प्याज में पुनः तेज़ी हमें लग रहा है कि देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ कारणवश से तेज़ी नहीं भी बनेगी, उसके बहुत सारे भी कारण हैं। आपने देखा होगा इस जुलाई महीने में पिछले साल प्याज
25 रुपये 30 रुपये तक चला गया था जुलाई महीने, 25 रुपये तक टच हो गया था, 20 से 25 रुपये, आपको भी पता है ये बात। उस टाइम पे लोगों ने नहीं बेचा, बाद में भाव जब उतरा तब भी नहीं बेचा, फिर भाव जीरो हुआ उसके बाद लोगों ने अपना प्याज निकाला। तो मेरा ये निवेदन है सभी किसान भाइयों कि इस बार प्याज अगर 25 से 20 से 25 रुपये का आता है भाव तो आप तुरंत निकाल दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस बार प्याज का भाव तो 100% मिलना है, जिनका प्याज सही है, जो ख़राब नहीं होगा, जो अक्टूबर तक प्याज रोक सके उसको भाव मिलेगा बहुत तबीयत से। मैं बता दूं क्यों, सितंबर तक अक्टूबर तक जिसने प्याज रोक लिया उसी को, क्योंकि इस बार खरीफ की जो फसल होती है प्याज की, महाराष्ट्र नासिक मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस बार जितनी होती है उससे 50% भी नहीं हुई है। मैं मेरे खुद के गाँव की बात करूँगा, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर करीब करीब 300 बीघे के प्याज लगते हैं बरसाती, इस बार पूरे गांव में मिला के मात्र 15 बीघे के प्याज लगे हैं, जहां 300 बीघा है वहां 15 बीघा है, यानी कि 285 बीघे में गेहूं सोयाबीन लगा दिए गए हैं। तो ये है, मेरे अकेले गांव की बात कर रहा हूं, आप पूरे ज़िले को ले लीजिए, फिर मध्य प्रदेश को ले लीजिए, फिर अलवर को ले लीजिए, राजस्थान का ज़िला, वहीं अगर हम चलें महाराष्ट्र नासिक साइड तो उधर भी 35 से 40% ही प्याज इस बार लगाया है बरसाती प्याज, क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा मात्रा में बीमारी आ रही थी, उसी कारण से ये प्याज का जो रेट है वो कम मिल रहा है और उत्पादन भी कम मिला हमें, करीबन पूरा एक साल हो गया है बरसाती प्याज में भी उत्पादन नहीं मिला, और हमारा जो गर्मी वाला जो रवि का प्याज था उसमें भी हमें उत्पादन ढंग से निकल कर नहीं दिया गया। मैं तो कहूँ 50 कट्टे प्रति बीघे के हिसाब से उत्पादन आया है हमारे गाँव में, मेरे गाँव की बात कर रहा हूँ, तो प्रदेश में भी वही का वही हाल है। कुछ एक किसान हैं जो किस्मत वाले हैं, वो जीत चुके हैं 10% बस, 90% किसानों का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस बार प्याज की फसल करने से। और मेरे जैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां 5-6 बीघे के प्याज लगाते थे, अब 1 बीघे में ही पूर्ति करेंगे ताकि घर सही साठ चले, क्योंकि सरकार पता नहीं क्या सोचती क्या नहीं सोचती, वो एक अलग बात है, कम प्याज रहेगा तो भाव में पूर्ति हो जाएगी। और मेरी गारंटी है, जितना ज़्यादा प्याज लगाओगे उतना ज़्यादा नुकसान में जाओगे, थोड़ा थोड़ा प्याज लगाएँ, बाकी फसल लगाएं, आपको 100% भाव भी अच्छा मिलेगा और आप सुखी रहेंगे। पर क्या करें, किसानों को लालच ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो फिर अनशन लगा देते हैं। मेरे को भी लालच हुआ था, मैं हमेशा 2 बीघे से ज़्यादा लगाता नहीं था, 1 एकड़ ज़्यादा, इस बार 2 एकड़ से भी ज़्यादा लगा दिया तो नुकसान में आ गए। तो ये है मेरे किसान भाई। चलते हैं इंदौर की चोइत्रा मंडी में प्याज की बात करेंगे, 50 रुपये से लगा के 300 रुपये प्रति क्विंटल में खादू प्याज बिक रहा है, 300 से लगा के 600 प्रति क्विंटल में गोल्टी बिक रही है, 600 से लगा के 800 प्रति क्विंटल में गोल्टा प्याज, 800 से लगा के 1000 रुपये में बिग क्वालिटी का जो सुपर प्याज होता है, मुक्कल प्याज जिसे हम बोलते हैं, और 1100 रुपये से लगा के 1250-1300 रुपये तक टच हुआ है हमारा बेस्ट क्वालिटी का सुपर प्याज। अब बात करेंगे हम 1300 रुपये तक हमारा मध्य प्रदेश का प्याज बिका है इंदौर मंडी में, महेश्वर मंडलेश्वर उकर ऐसे, ये भी मध्य प्रदेश में आता है लेकिन इस साइड का प्याज बहुत बेस्ट है, तो वो बिका है 1350-1400 रुपये तक। अब बात करेंगे महाराष्ट्र साइड से, खंडवा साइड नासिक साइड से जो गाड़ियाँ आती हैं इंदौर मंडी में, 2-4 गाड़ी, वो जो प्याज है वो बिका है 1400 रुपये से लगा के 1500 रुपये तक। 1500 रुपये से एक भी लाट पूरी मंडी में नहीं गया है ऊपर, एक भी लाट 1500 रुपये में सिर्फ 2-4 लाट बिके हैं, बाकी 1400 से लगा के 1300 से लगा के 1400-1450 रुपये के अंदर अंदर ही महाराष्ट्र का प्याज भी बिका है मेरे किसान भाइयों। और बहुत बड़ा प्याज होता है उस साइड का, आप चेन्नई को देख लीजिए, चेन्नई में बहुत बड़ा प्याज होता है, बेंगलुरु कर्नाटक में बहुत अच्छी साइज़ का प्याज बनता है, महाराष्ट्र की जो नासिक मंडी है, नासिक ज़िला है, नासिक ज़िले की जितनी भी 25-26 मंडियों में से करीबन करीबन 5 मंडियों में 7 मंडियों में प्याज बड़ी साइज़ का आता है। ये तो हो गई इंदौर मंडी की बात, अब हम चलते हैं थोड़ा सा दुबई, आपको दुबई की सैर करा देते हैं। दुबई में हमारे भारत से 10 कंटेनर भेजे गए थे, और वहाँ का मैंने एक वो हैं व्यापारी वहाँ के, उनके द्वारा मेरी बात हुई है, लेकिन वो रहने वाले हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान के व्यापारी हैं और दुबई में जाके बिजनेस करते हैं। 10 गाड़ियाँ गई हुई हमारे यहाँ से, और जितने पैसे उनको यहाँ से भेजने में लगते हैं दुबई, उतना ही पैसा आया है हमारे यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं उनको, उतना ही जितना खर्च जाने में प्याज को लगा उतना ही पैसा ले पाए हैं व्यापारी, ज़्यादा पैसा नहीं ले पाए हैं, और जितना उन्होंने खरीदा प्याज को बस वो इतना निकाल लीजिए, बचत वचत कुछ भी नहीं हो रही है दुबई प्याज भेजने में। 10 कंटर में ये मान के चलें कि 50,000 अगर कमा लिए तो बहुत कमा लिए, 10 कंटर में मिला के, अब सोचिए एक्सपोर्टर क्या करेंगे, एक तो एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा रखी है वहाँ पे, आदान प्रदान वाली बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एक्साइज ड्यूटी है, उसको कम करना चाहिए, भारत सरकार को टैक्स को कम करना चाहिए, और पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंटेनर की फुल व्यवस्था रखनी चाहिए। तीसरी चीज़, रसिया में माल जाना चाहिए, दुबई में 10 गाड़ियाँ जा रहे, 10 कंटेनर जा रहे, मिनिमम कम से कम 50 कंटेनर डेली जाने चाहिए, ठीक है।
और माल हमारा पूरा मंडी का गया है। अभी जो आज माल पहुंचा है वहाँ, जिसमें से 10 कंटेनर में से 2 कंटेनर बिक चुके हैं, और हमारा जो पूना का माल गया है ना, वो माल मैंने देखा मेरे किसान भाइयों, बहुत ही शानदार माल है, एक नंबर माल है, पूना का माल गया हुआ है। पूना हमारा जो महाराष्ट्र की मंडी है, पूना मंडी, और बहुत बड़ी मंडी है, जहाँ पर खुद 2000 रुपये प्रति क्विंटल तक प्याज बिकता है, और 2200 रुपये तक चेन्नई में चल रहा है रेट। कर्नाटक सोलापुर और पूना लासलगांव में 1500 से लगा के 2000 के बीच बीच में रेट चल रहा है अभी हाल फिलहाल। आज उधर के वीडियो मेरे पास नहीं आए, एक भी जानकारी मेरे पास नहीं आई, इसलिए मैं आपको कुछ भी जानकारी नहीं दूंगा, और आप समझ भी जाएंगे कि मेरे पास जानकारी अगर नहीं होती है तो मैं जानकारी आपको देता ही नहीं हूँ, ठीक है। अब शाजापुर मंडी की कल की जानकारी थी, वो मैंने आज सुबह आपको दे दी थी। आज मंडी बंद है, जानकारी कहाँ से लेके आए, और मैं आज घर पर ही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ, घर पर पूरी इंदौर मंडी की जानकारी मंगवाई है मैंने पुरुषोत्तम दास नारायण दास जी से, और बहुत अच्छे व्यक्ति है, फ़ोन एक मिस कॉल में फ़ोन उठाते हैं, 105 नंबर फड़। अगर आप प्याज और लहसुन लेके जा रहे हैं तो उन्हीं के यहाँ लेके जाएँ, और 171 कपिल देव जी, उनके यहाँ भी लेके जाएँ, बहुत प्यारा बंदा है और श्याम भक्त हैं, साथ में एक श्याम भक्त और है वहाँ पर, पटेल आलू भंडार वाले, 76 नंबर की दुकान, वो भी बहुत प्यारे व्यक्ति हैं। उनके यहाँ आप अगर आलू लेके जा रहे हैं तो आलू का रेट बहुत अच्छा दिलवाएंगे आपको वो। साथ ही साथ 104 नंबर फड़ है भारत सिंह जी की, भारत सिंह जी चौहान, उनकी फड़ पे भी आप अगर माल लगाया आपने तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। रेफरेंस मेरा दे दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मेरे को बता दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिएगा, वीडियो बता दीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं 100-200 रुपये का फ़ायदा तो हो ही जाएगा, ज़्यादा नहीं तो, प्रति क्विंटल तो इतना नहीं होगा, 150 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ये है मेरे किसान भाइयों, तो दुबई की जानकारी मैंने आपको दे दी है। उसी प्रकार से नेपाल भी करीबन ये मान के चले 5 से 10 गाड़ियाँ डेली जा रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जाएगी हमारी बांग्लादेश, अगर रसिया बॉर्डर खुलता है, रसिया से तो मांग निकल कर आई है। भारत सरकार एक्चुअल में क्या है, हर जगह निर्यात हो रहा है हमारा प्याज भारत का। भारत सरकार ने सिर्फ 2021 में बंद किया था, तो 3 या 6 महीने तक बंद रहा था बॉर्डर, हर जगह का, सिर्फ नेपाल को छोड़ के, लेकिन अभी सब जगह का खुला हुआ है बॉर्डर, सभी जगह का, लेकिन रसिया का भी खुला है, लेकिन रसिया माल नहीं पहुंचा रहे हैं इधर से। माल पहुंचाए तब तो मज़ा आए ना, बहुत बड़ा देश है, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा रसिया से, लेकिन पहुंचाना चाहिए मोदी जी को, मोदी जी का बहुत फ़ायदा होगा इसमें, क्योंकि सरकार में जो सरकार के खजाने में जो पैसा आएगा तो उससे देश का विकास होगा। अगर विदेश में हमारा माल जाएगा तो हमारा जो है ना ग्रोथ होगा, किसानों का भी ग्रोथ होगा, साथ साथ देश का भी ग्रोथ होगा। आप सभी किसान भाइयों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक छोटा सा लाइव वीडियो है लहसुन का इंदौर मंडी का, उसको जरूर देख लीजिएगा। सभी किसान मित्रों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यहाँ देखिए किसान भाइयों, लहसुन की क्वालिटी जो कि आज 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है, 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जोरदार क्वालिटी है किसान भाइयों। साइज जोरदार है, व्हाइटनेस फिनिशिंग भी बढ़िया है इसकी, पर्दा भी मजबूत है, बाकी आप क्वालिटी देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ देखिए किसान भाइयों, लहसुन की क्वालिटी जो कि आज 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है, बढ़िया क्वालिटी है किसान भाइयों। इसमें दातर क्वालिटी का माल ज़्यादा है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बाकी साइज बढ़िया है, 2200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है आज, क्वालिटी आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ देखिए किसान भाइयों, लहसुन की क्वालिटी जो कि आज 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है, बढ़िया क्वालिटी किसान भाइयों, व्हाइटनेस फिनिशिंग भी बढ़िया है, साइज थोड़ी सी हल्की है, बाकी आप क्वालिटी देख सकते हैं वीडियो में, 2000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है आज, क्वालिटी आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ देखिए किसान भाइयों, लहसुन की क्वालिटी जो कि 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है, छर्री क्वालिटी किसान भाइयों, बारीक क्वालिटी का माल है, थोड़ी फिनिशिंग भी हल्की है इसकी, बाकी आप क्वालिटी देख सकते हैं वीडियो में, 500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है आज, क्वालिटी आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ देखिए किसान भाई, लहसुन की क्वालिटी जो कि 1450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकी है, Thank you.
नहीं कर रहा। क्यों? ये अपना अपना डॉक्टर भाग है ना, वो कुछ आपको इधर